समय यहां की सरकार, नवीन पटनायक की सरकार नौकरशाहों से ऐसी घिरी हुई है कि वह फ्री में राशन की सुविधा को भी अपने नाम से भुनाने का काम करती है। मोदी जी पूरे देश के अंदर 60 करोड़ लोगों को पूरे देश के अंदर आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की उपचार की सुविधा प्रतिवर्ष उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन यहां पर नवीन पटनायक जी की सरकार यहां पर आयुष्मान भारत लागू नहीं होने देना चाहती है। बहनों और भाइयों, आप देख सकते हैं किसानों को किसान सम्मान निधि, हर घर में शौचालय का निर्माण, घर घर में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन और 4 करोड़ गरीबों के सिर को ढकने के लिए पीएम आवास की सुविधा देश के अंदर बिना भेदभाव के मिली है। आप देख सकते हैं मोदी जी ने 10 वर्ष में जो दिया है, इसमें किसी का चेहरा नहीं, जाति नहीं, मत नहीं, मजहब नहीं, क्षेत्र नहीं, भाषा नहीं, पूरे देश के अंदर सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ इन योजनाओं को देश के अंदर लागू करने का काम किया है। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं देश के अंदर, बहनों और भाइयों, जो रहते भारत के अंदर हैं, खाते भारत के अंदर हैं, लेकिन गाते पाकिस्तान का है। उनके द्वारा जाने अनजाने में ऐसी बातें कही जाती है, पाकिस्तान का राग अलापा जाता है, पाकिस्तान के बारे में, भारत के दुश्मनों के बारे में उनका महिमामंडन के द्वारा किया जाता है। और मैं तो कहता हूं, जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं, भारत के दुश्मनों का महिमामंडन करते हैं, मैं उनसे कहता हूं वे काय भारत के अंदर बोझा बने हुए, जाओ ना वहीं चले जाओ। अरे भारत तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और पाकिस्तान में 23 करोड़ की कुल आबादी वह भी भूख से तड़प रही है। 1 किलो आटा के लिए, 1 किलो गेहूं के लिए आज वे तड़पते हुए दिखाई देते हैं। जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे बड़ी आबादी को मोदी जी ने 10 वर्ष में गरीबी रेखा से ऊपर उठा करके एक खुशहाल जीवन की ओर अग्रसर किया है। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।